हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं है, कहीं पर आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए और 10,000 में आप अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है, फूड स्टॉल है, फूड कार्ट है, आप कहीं भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, उस बिजनेस का नाम है पोटैटो टोर्नेडो बिजनेस। और कहीं कहीं पर दोस्तों इसको बोलते हैं पोटैटो स्प्रिंग्स, पोटैटो स्पाइरल्स, तो हर जगह पर अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिकता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये बनके दोस्तों 6 से 6.5 रुपए में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं और ये बिजनेस वीडियो अगर आपने देख लिया तो इसको आप आराम से स्टार्ट भी कर पाएंगे और अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। सबसे अच्छी बात दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखने के बाद चाय का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने फोटो भेजे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने कैफे स्टार्ट करे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेन्यू आइटम को, इस प्रोडक्ट को भी ऐड करिए अपने मेन्यू में और अच्छे पैसे कमाइए। क्योंकि दोस्तों, ये प्रोडक्ट काफी सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्लेटिंग करके सर्व किया जाता है और अच्छे पैसे कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। तो आप भी इसको ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स कवर करने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप इसी तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आप सबने देखा होगा पोटैटो टोर्नेडो बहुत ज्यादा बिकते हैं और रेस्टोरेंट्स में तो दोस्तों इसकी अच्छी खासी सेल है, जहां पर इसके काफी सारे फ्लेवर सर्व किए जाते हैं। सारे फ्लेवर्स भी आपको बताऊंगा और साथ ही मैं इसका बैटर किस तरीके से आपको बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि इस बिजनेस को और पोटैटो के स्प्रिंग्स को, पोटैटो टोर्नेडो को किस तरीके से बनाना है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके की आपको मशीन मिल जाएगी। ये बहुत ही छोटी सी मशीन है, ये आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, इसका रेट मैं आपको बताऊंगा आगे। ये मैनुअल भी मिलती है और इलेक्ट्रॉनिक भी मिलती है। अगर आपका कैफे रेस्टोरेंट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, या फिर आपका अगर फूड कार्ट या फूड स्टॉल है तो आप इस तरीके की मैनुअल ले सकते हैं, जिसे आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा बस, और ये आपके बन जाएंगे। आप उसको पानी में डुबा के रख सकते हैं, जब कस्टमर है पानी से आपने निकालना है, इसको ऊपर अटैच करके पूरे बैम्बू स्टिक में फैला देना है और बस आपको इसको बैटर में डिप कर देना है। बैंबू स्टिक कहां से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 115 रुपए किलो बैंबू स्टिक मिलते हैं, तो बहुत सस्ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये बैटर किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसको बैटर में डिप करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको डीप फ्राई कर देना है। चाहे तो आप दोस्तों फ्रायर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप दोस्तों इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, ये फ्रायर बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते, 6-6.5 हजार रुपए में आपको फ्रायर मिल जाएगा। फ्राई होने के बाद दोस्तों, आपको ये एक स्प्रिंकलर बॉक्स रखना है इस तरीके से। दोस्तों, आपको इसमें स्प्रिंकल डाल देने हैं, यानी कि आपको अपने फ्लेवर डाल देने, चाहे आप वो दोस्तों आपका कोई भी फ्लेवर्स हो, फ्लेवर्स में आपको दिखाऊंगा, प्लेन सॉल्ट, पीरी पीरी, चाट मसाला, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। नैपकिन लगाने के बाद दोस्तों, इसको बैम्बू स्टिक के लास्ट में नैपकिन लगा के आपको बस अपने फ्लेवर को इसमें छिड़क देना है और अपने कस्टमर को सर्व कर देना, बस इतना सा काम है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि इसको बनाना कितना आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आलू को कटिंग करनी है, डिप करना है और फ्राई करना है, कट डिप एंड फ्राई, और आपके प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका बैटर किस तरीके से बनाना है, क्योंकि भैया हर कोई शेफ नहीं है, कुक नहीं है, काफी लोगों को पता नहीं होता है, फिर भी मैं उनको बता देता हूं कि इसका बैटर किस तरीके से बनाना है। दोस्तों, बैटर बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ एक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए होगा दोस्तों मैदा, कॉर्नफ्लोर या आरारोट, अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कॉस्टली आता है आरारोट से, तो कुछ लोग आरारोट यूज करते हैं ताकि आरारोट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको चाहिए होगा चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, विनेगर और पानी, इन सबको आपको अच्छे से घोल लेना है और आपका बैटर रेडी हो जाएगा। बस इतना सा काम है दोस्तों, आपका बैटर बन जाएगा। बैटर को आपने एक प्लास्टिक कंटेनर में रख लेना है, प्लास्टिक या स्टील के कंटेनर में, और बस पोटैटोस को कट करना है और बैटर में डिप करके फ्राई करना है बस। तो दोस्तों, आपने पोटैटो टोर्नेडो बना लिए, डिप बनाना भी सीख लिया, अब मेन बात आती है सर्विंग की। और मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है तो लोग उसको भैया खाना पसंद करेंगे ही करेंगे, और आदमी किसी भी खाने वाली चीज को मुंह से खाने से पहले आंखों से खाता है, तो इतना अट्रैक्टिव दिखना चाहिए कि वो भाई दिखने में सुंदर लगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, होटल्स में दोस्तों प्लेटिंग के साथ सर्व किया जाता है, प्लेट में सर्व किया जाता है। तो अगर आपका होटल या कैफे है तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों फूड कार्ट या फूड स्टॉल में शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो प्लेन सॉल्टेड होगा उसको आप 20 रुपीज में सर्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास काफी सारे वैरायटीज हैं, फ्लेवर्स हैं, तो आप उनको अच्छे खासे पैसे में सर्व कर सकते हैं, 30, 40, 50 का आराम से सर्व कर सकते हैं फ्लेवर्स वालों को। बट प्लेन सॉल्टेड वाले को महंगा मत रखना, क्योंकि वो आपका एक पीक प्रोडक्ट होगा, तो जिससे कि कस्टमर आपके खिंच के आएंगे। आपको बड़ा सा टोर्नेडो बना देना है,
अपने काउंटर के बाहर और लगा देना है 20 रुपीज। वो 20 रुपीज का देखकर कस्टमर अंदर आएगा, 2-3 दिन खाने के बाद वो बोलेगा कि आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करता हूं, तो वो 30 या 40 फ्लेवर वाला भी ट्राई करेगा, 30-40 रुपीज वाला टोर्नेडो भी ट्राई करेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, फूड ट्रक्स में बहुत अलग अलग चीजों के साथ सर्व किया जाता है, सॉसेज के साथ, स्प्रिंकल्स के साथ, मेयोनीज के साथ। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कितने तरीके के फ्लेवर्स आप रख सकते हैं और कौन कौन से चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्विंग के टाइम पे आपको। तो दोस्तों अगर बात करें सर्विंग की, तो सर्विंग के लिए अगर मैं बात करूं स्प्रिंकल्स की, तो आप प्लेन सॉल्ट रख सकते हैं, मैगी मसाला रख सकते हैं, चाट मसाला और पेरी पेरी मसाला, ये सब आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। आपको इनको बस कंटेनर में रखना है और बस स्प्रेड करना है आपके पोटैटो टोर्नेडो के ऊपर बनने के बाद। इसके अलावा दोस्तों आप सॉसेज के साथ सर्व कर सकते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट है, कैफे है, तो दोस्तों आप प्लेट में इसको सजाकर टोमेटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, सेजवान सॉस के साथ, बारबेक्यू और सॉस के साथ और मस्टर्ड सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों मेयोनीज के साथ, तो वेज मेयोनीज, टॉम मेयोनीज, तंदूरी मेयोनीज, चिपोतले मेयोनीज, बहुत सारी मेयोनीज आती हैं, तो आपको जो सी मेयोनीज पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, तो आप वो मेयोनीज भी रख सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आपकी वो जो पिचकू बॉटल आती है ना, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, अगर मेरे पास फोटो हुआ तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, तो इस तरीके की बॉटल में भी आप रख सकते हैं और आराम से उसको स्प्रेड करके दे सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कुछ रिक्वायरमेंट्स की, तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स आपके लगने वाले नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक पोटैटो कटर मशीन, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल दोनों मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको चाहिए डीप फ्रायर और बैम्बू स्टिक्स, और कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए रॉ आलू और आपका बिजनेस रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा जो रॉ प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं बैटर बनाने के लिए, वो चाहिए होंगे, और साथ ही में आपको भैया सर्विंग के लिए जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया वो चाहिए होंगे। तो अगर आपको मोटा मोटा खर्चा माना जाए, तो दोस्तों 10,000 रुपए का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इक्विपमेंट्स का प्राइस क्या पड़ रहा है। दोस्तों जो पोटैटो टोर्नेडो की मशीन है वो 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, इवन दोस्तों कई जगहों पर अमेजोन पे भी वो 750 रुपए की आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको घर के लिए चाहिए ना, 1 या 2 दिन बनाने के लिए, तब तो आप भैया 750-750 रुपए की मशीन ले लेना। लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट, कैफे या फूड ट्रक या फूड स्टॉल के लिए चाहिए, यानी कि आप इसी का बिजनेस करने वाले हैं, तो थोड़ी हैवी क्वालिटी की लेना ताकि वो भारी हो, वरना आप हैंडल घुमाएंगे और वो मशीन नाचती रहेगी आपके काउंटर पे। इसके अलावा एक प्रोटिप आपको और दे दूं दोस्तों, अगर आपका फूड कार्ट है या फूड स्टॉल है या फूड ट्रक है जिसमें आप पोटैटो टोर्नेडो का बिजनेस कर रहे हैं, और ये आपका एक मेन प्रोडक्ट है, यानी कि आप चाय भी सर्व करते हैं, बर्गर भी, आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये भी आपका बहुत अच्छा खासा सेल होता है, तो दोस्तों एडवाइस आपको यही करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 मशीन तो कम से कम ये रख लीजिए पोटैटो टोर्नेडो की, क्योंकि अगर दोस्तों कभी खराब होती है तो फिर अर्जेंट बेसिस पे आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये लोकल मार्केट्स पे कई जगहों पर नहीं मिलती है, कई सिटीज में नहीं मिलती है। तो आप इसको दोस्तों आराम से इंडिया मार्ट से या अमेजोन से खरीद सकते हैं, 1500 से स्टार्ट हो जाती है, इवन 750 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, बट मैं आपको कहूंगा कि 1500-2000 या 2500-3000 की रेंज वाली लीजिए, वो थोड़ी हैवी क्वालिटी की होती है ताकि वो आराम से आप उसको बिजनेस कर सकें उसके साथ, और आपकी मशीन जल्दी खराब ना हो। और दोस्तों 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप 4000 रुपए की ये 2 मशीन रख सकते हैं, ताकि आपका 1 दिन का 2 दिन का बिजनेस कंप्लीटली खराब ना हो, क्योंकि फिर अगर आपकी मशीन खराब हुई, आपने 2 दिन शॉप बंद रखी और फिर आप ऑर्डर करेंगे, तो 3 से 4 दिन आप उसकी डिलीवरी में लगेंगे, तो आपका बिजनेस खराब होगा। तो आपको एटलीस्ट 2 मशीन तो रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा डीप फ्रायर, जो कि 6000-6500 रुपए का आराम से मिल जाता है, सिंगल एंड डबल, ये इलेक्ट्रॉनिक भी आता है दोस्तों और ये गैस ऑपरेटेड भी आता है, तो आपको देखना है कि आपके पास अगर बिजली की सुविधा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रीफर करिए, और अगर आपके पास बिजली की सुविधा नहीं है तो आप गैस वाला ऑप्ट करिए और आराम से इसको खरीद सकते हैं। और जो मेरे देसी भाई हैं वो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, उनको देखना है कि उनको किस तरीके की कढ़ाई लेनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होंगे बैम्बू स्टिक्स, जो कि 115 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, तो टोटल खर्चा आपका पड़ेगा दोस्तों 8,115 रुपीज। तो सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट का खर्चा दोस्तों 8,115 रुपए आपको पड़ेगा, इतने में बस आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों इतने में बिजनेस शुरू नहीं होगा, आई नो दैट वेरी वेल, क्योंकि आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे मार्केट से, और अगर आप फूड स्टॉल शुरू करें तो दोस्तों फूड स्टॉल में भी आपको 35,000-40,000 रुपए का फूड स्टॉल आएगा बेसिक, अगर आप बहुत एडवांस ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस आपने शुरू कर लिया, आपने भैया पोटैटो टोर्नेडो कट करके सेल भी करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सारा प्रॉफिट मार्जिन आपको कैलकुलेट करके बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों ये मैक्सिमम 6 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों काफी सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जहां पर जो बड़ी बड़ी सिटीज में है, दोस्तों मैं गारंटी नहीं देता कि 6 का ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी सिटीज में एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर किसी का रेस्टोरेंट कैफे है तो वहां पर थोड़े से उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो वहां पर मैं ये पूरा 100% आपको नहीं बता रहा हूं, बट दोस्तों आपको देखना होगा कि आपका किस तरीके का एरिया है, आप छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आलू की, तो दोस्तों आलू 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट 50 किलो की बोरी लेनी होगी मंडी से। ये दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब आप भैया शाम को जाकर 2 किलो आलू लेकर आ रहे हो मार्केट से, तो वो आपको 30 रुपए का ही पड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई डेली बेसिस का यूज का प्रोडक्ट मेरा मेन आलू है, तो आप आलू की पूरी बोरी उठा लो मंडी से, तब आपको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आराम से आलू पड़ जाएगा। अगर बात करें दोस्तों 1 किलो आलू की, तो मैंने 1 किलो आलू का मेजरमेंट लिया हुआ है, तो उनमें अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 15
12 से 15 आलू चढ़ते हैं छोटे वाले मीडियम साइज के। अब भैया आप बड़े बड़े आलू ले लेंगे तो नहीं चढ़ेंगे वो, तो फिर भैया 5-6 भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मीडियम साइज के आलू 10 चढ़ते हैं मेनली, वैसे 12 के आसपास चढ़ते हैं लेकिन मैं 10 मान के चल रहा हूं। तो पर आलू की कॉस्ट जो है वो 2 रुपए हो गई भैया दोस्तों। रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका कॉस्ट आएगा वो 3 रुपए आएगा, और बैम्बू स्टिक आपकी मैं अलग से 1 रुपए की ले ले रहा हूं। तो दोस्तों टोटल जो खर्चा आ रहा है वो 6 रुपए का आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ 100 पोटैटो टोर्नेडो पर डे बेचते हो तो आप आराम से 60,000 रुपए की सेल कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट प्रॉफिट आपका 42,000 का होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया लेबर कॉस्ट दोस्तों पोटैटो टोर्नेडो में मैंने 3 रुपए कैलकुलेट करी है लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल एंड ऑल की। अब लेबर आपको रखनी है या नहीं रखनी है वो आपके ऊपर है। 100 पोटैटो टोर्नेडो बेचने पे आप आराम से 42,000 रुपीज कमा सकते हैं, ये प्रॉफिट बता रहा हूं, और टोटल सेल आपकी 60,000 होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 पोटैटो टोर्नेडो बेचते हैं। अगर आप दोस्तों 200 बेचते हैं और 20 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आराम से 1,20,000 रुपए की सेल कर सकते हैं, जिसमें से 84,000 रुपीज कंप्लीट आपके प्रॉफिट मार्जिन होगा, कंप्लीट प्रॉफिट होगा आपका। इसके अलावा दोस्तों ये सिर्फ 20 रुपीज से कैलकुलेट करिए मैंने प्लेन सॉल्टेड वाले पोटैटो टोर्नेडो की, और आप काफी सारे फ्लेवर्स भी सेल करते हैं तो आपकी सेल बहुत ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट पार्ट इस बिजनेस का ये कि आप इस बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, कैफे, फूड कार्ट, फूड ट्रक अगर आपका ऑलरेडी है तब तो आप इस बिजनेस को जरूर से स्टार्ट कर लो भैया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके फूड ट्रक हैं, फूड कार्ट हैं, और कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी ओपन कर रहे हैं दोस्त मेरे डे बाय डे। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट जरूर करिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों बिजनेस बहुत सिंपल है और इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन अराइज होंगे आपके मन में। फिर भी दोस्तों इस बिजनेस के अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर स्क्रीन पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर भैया ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन है आपके तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।